यहाँ पे सेंटर सामने सेंटर भाई दिला ना पीछे वाले को सेंटर या या सेंटर विकी थोड़ा सा भाई और थोड़ा सा थोड़ा सा जल्दी भाई बहुत का थोड़ा ये हां अभी दोनों का नीचे सामने एकदम आ गया थे विकी जी ये सेंटर में चलो गाइस जा चल बस जान दे मैडम जी भी ना फ्री वो भी बाद में मैं इधर बैठना मैं या मेघना गुल सर मैं आप तो आके हां हां मैडम जी इधर देखिए मैडम जी इधर देखिए दोरा जी राइट मैम या या मैडम जी एक बाय गाइस थैंक यू मैम थैंक यू उधर सर विकी सर रुकिएगा वहीं पे सर सर विकी सर बेटा सर यहाँ पे चलोगे लेफ्ट विकी सर यहाँ विकी सर सेंटर यहाँ पे दोनों लेफ्ट विकी सर ओह माय गॉड सर दोनों का स्टार स्टार वेरी बेस्ट अरे अरे क्यों नहीं निकला यार अरे सर वो लगा आपका भाई है हर वेट सर इधर देखो ना डीके सर टाइम सर आगे चल ना उधर नहीं मिल रहा बैठ नहीं रहा चल चल टर्न मैं ग्राउंड पर विकी लिफ्ट कर रहा हूं एक मिनट रख ले मार मार गेट के मार सेंटर चले हां गेट के बाहर खड़ा किया तू कहां पर है सर इधर इधर टर्न लो इधर आ रहे तू हेलो ओए ओए इधर आ रहे हो किधर जा रहे हो सभी रोपा जी राइट रोपा जी लाइन पीछे ना यार थोड़ा राइट में चल राइट में ना थोड़ा हां ले ले करो थोड़ा ऊपर में दरिया आगे एंट्री क्या ये एंट्री से ये सीढ़ी के बदले वो सीढ़ी ये साइड से बंपर लगा रुक जाओ ना यार अरे हां रुकिएगा आले जी रुकिएगा अरे क्या कर रहे हो आप अरे रुक जाओ यार सेंटर आले ना लुके सेंटर आले जी यहां पे सेंटर सेंटर सेंटर
आलिया जी वेट। अरे क्या कर रहे हैं? ऊपर ऊपर वेट कर, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, पीछे है ना भाई, पीछे हो जरा, जरा पीछे पीछे। मैम राइट में, मैम राइट में, थैंक यू। आलिया जी ले ले, लेकिन वहां से जाएगा ना सुनील, तो यहीं लेके आ जाओ घुमा ले। हाँ ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे। आलिया जी राइट में, नीचे आ जाओ, आप वहाँ पे खड़े हो जाओ, ये बैठा ये क्या बात है, चलो। आलिया जी राइट में, जगदीश के क्या है? आलिया जी राइट में, पूरे बराबर अजय ले, अजय अरे हो गया ना, दे फोटो दो ना, हो गया। करण सर, करण सर, करण सर होल्ड, करण सर, करण सर होल्ड, करण सर सर पीछे पीछे, करण सर करण सर लेफ्ट में, करण सर यहाँ पे सेंटर, करण सर यहाँ पे, यहाँ पे करण सर, करण सर एक सोलो। अरे क्या डन, थैंक यू। नो नो वन मोर पिक्चर वी नीड, इधर इधर, या 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 या, ये बैक पे पूरा, ये यहां पे हां, थैंक यू सर। इधर से चालू कीजिए, करण सर इधर, चलो सेंटर सही आयो, करण सर सेंटर में, करण सर एक पे सही हो, डन थैंक यू सर, आपका सोलो, आपका सोलो, चलो सो करण सर यहां पे, सर योर राइट साइड, सेंटर सेंटर, सर योर राइट साइड, सर इधर सामने देखिए, राइट साइड, सर इधर, थैंक यू, थैंक सर, आपका सोलो, आपका अपूर्व सर, अपूर्व, हाँ सही हो सर, इधर देखिए सर, सेंटर यहाँ पे, या मैम राइट में, लेफ्ट थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, हाँ मोबाइल आ रहा है, मोबाइल 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 मोबाइल, यहाँ पे सेंटर नहीं करना है।
सामने सेंटर भाई मिला ना पीछे वाले को। सेंटर या सेंटर बिकी थोड़ा सा भाई वो थोड़ा सा थोड़ा सा जल्दी अभी दोनों जन नीचे सामने एकदम आ गया थी बिकी जी इस सेंटर में चलो गाइस डन चल बस मेघना कुछ और हाँ राजी अच्छी फिल्म है बहुत अच्छी फिल्म है एक्टिंग भी बहुत अच्छी है अभी मैं थोड़ी देर बाद जाके रिव्यू करने वाली हूँ फिल्म को दोनों केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और मेघना गुलजार ने हमेशा बैलेंस बना के रखा है कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि कुछ भी एक्स्ट्रा हो रहा है एंड द बेस्ट पार्ट की स्टोरी आपको कहीं भी बोर नहीं करेगी आप एक सीन पे भी ऐसे नहीं होते हो कि यार ये क्या चल रहा है काफ़ी अच्छी फिल्म है बहुत सेंसिबल सिनेमा है और आपके इमोशंस को बहुत बांध के रखता है काफ़ी अच्छा म्यूज़िक का कोई खास तो पार्ट था नहीं क्योंकि म्यूज़िक जब आप रखते हो तो फिल्म की स्टोरी खो जाती है डायरेक्शन बहुत अच्छा है बहुत स्मूथ सिनेमा है 3 स्टार Amazing, amazing movie. Yeah, I loved the acting of Alia. Songs and direction कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा था. कितने स्टार देंगे आउट ऑफ़ 5? 4. Excuse me. कैसी लगी movie? Movie one time watch है. अच्छी नहीं लगी मेरे को disappointment बहुत हुई. क्योंकि Alia itself she is very you can make out. मतलब romantic role और उसमें she looks good. बट इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए जो मेघना गुलजार शी इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर एंड दिस बट जो उसने स्टोरी उसने सोची होगी बट इसके लिए दैट इज़ नॉट गुड डायरेक्शन एंड म्यूजिक कैसा लगा म्यूजिक वॉज ओके डायरेक्शन वॉज गुड बट एवरी थिंग यू कैन मतलब हमें पता चल जाता था कि ये होने वाला है नथिंग वॉज लाइक नॉर्मली आई विल नॉट से आमिर खान की पिक्चर कैसे होती फना दिस दैट अचानक पब्लिक ऐसे अरे ये क्या हो गया इसमें सब कुछ पता चल रहा था कि इट्स गोइंग टू हैपन दिस वे दैट वे एक्साइटमेंट थी नहीं उठ के भी अब बंदा चला जाए तो इट वाज ओके लाइक 3 वेरी गुड मस्त फर्स्ट क्लास आलिया का एक्टिंग तो बहुत ही अच्छा था वेरी गुड द डायरेक्शन द म्यूजिक सब कुछ फ्लॉलेस था बहुत अच्छा पता पड़ा कि इतने लोग देश की आज़ादी के लिए इतने लोग भी इन्वॉल्व थे दोज आर द अनसंग हीरोज हाँ पूरा अलग ही है एक्टिंग भी अच्छी है स्टोरी वेरी गुड बहुत अच्छी 4.5 अच्छी पिक्चर है बहुत अच्छी पिक्चर है काफ़ी दिन के बाद अच्छी पिक्चर देखी है आलिया भट्ट बहुत अच्छा काम किया है वही मेन पिक्चर उसी पे ही है सारी एंड मोर ओवर स्टोरी इज गुड डायरेक्शन इज गुड या बिल्कुल उसने बहुत अच्छा किया काम डायरेक्शन इज वेरी गुड एंड स्टोरी इज वेरी गुड अब कब आजकल स्टोरी देखे वो मिलती है यहाँ सब ऐसे ही है बट इट्स गुड फोर स्टार्स पिक्चर बहुत अच्छी है भाई वेरी गुड मूवी
आलिया की एक्टिंग तो बहुत ही अच्छी है। केमिस्ट्री में वो जो हीरो है वो कौशल के क्या वो भी उसके साथ जमता है और स्टोरी इतनी अच्छी है कि सबको पसंद आनी चाहिए। बहुत ही डिफरेंट है और आलिया ने इसमें जो स्पाई का रोल किया है बहुत ही अच्छा किया। डायरेक्शन मेघना गुलजार का इतना अच्छा है कि मैं क्या बताऊं आपको। गाना एक है वो भी एकदम हार्ट को टच कर जाता है, वो भी गाना बहुत अच्छा है। इसमें 5 में 5 आए, बहुत अच्छी मूवी। बहुत बढ़िया लगी, वेरी नाइस। केमिस्ट्री तो वतन के साथ थी उनकी हस्बैंड से ज़्यादा और एक्टिंग सुपर्ब। आई थिंक आलिया हैज़ डन हर बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन दिस। अच्छा लगा, मतलब प्रूव कर दिया उन्होंने अपने आप को। डायरेक्शन की बात करी जाए तो मेघना गुलजार कितनी हरी उतर गई। अरे कमाल किया है, मतलब सिंपल सटल डायरेक्शन है और स्टोरी वेल सेट आई शुड से, और ऑब्वियसली दैट इज़ इन हर, वो तो ब्लड में है और बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्शन किया उन्होंने, बहुत सिंपल एंड सटल एंड स्टोरी वेल सेट आई शुड से। म्यूजिक एक ही सॉन्ग है शायद उसमें, ए वतन, अच्छा लगा। सबसे बड़ी चीज़ किसी भी फिल्म में स्टोरी टेलिंग होती है डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो स्टोरी टेलिंग में तो कहीं भी कोई कमी नहीं है। एक्टिंग वाइज भी हर एक्टर से बहुत बढ़िया परफॉर्म कराया है उन्होंने, आलिया से बहुत अच्छा काम कराया है। मतलब आफ्टर सीइंग हाईवे, आफ्टर सीइंग उड़ता पंजाब, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ऑल्सो विच एड्स अ फेदर इन द आलिया कैप। और डेफिनेटली मतलब आलिया हैज़ प्रूव्ड कि शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस इन आवर कंट्री। डेफिनेटली 5 out of 5। द मूवी इज़ वेरी नाइस एंड वेरी इंटेलिजेंट सिनेमा बाय मेघना गुलजार। आलिया की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है और काफ़ी कन्विंसिंग रोल दिया हुआ है आलिया ने। जो स्क्रिप्ट सिलेक्शन है वो भी काफ़ी बढ़िया है। यस, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ ये टिपिकल बॉलीवुड मसाला फिल्म नहीं है, ये इंटेलिजेंट सिनेमा है। तो डिफ़िकल्ट चॉइस है आलिया क्योंकि वो काफ़ी बबली रोल्स करती है, बट ओवरऑल दिस इज़ वेरी नाइस एंड स्क्रिप्ट सिलेक्शन भी काफ़ी अच्छा था। डायरेक्शन बहुत ही इंटेलिजेंट डायरेक्शन है, इट्स अ नॉन कमर्शियल मसाला मूवी नहीं जो टिपिकल सॉन्ग बेस्ड होती है, और काफ़ी स्मार्ट इंटेलिजेंट मूवी बनाई है मेघना गुलजार ने। आपने अगर तलवार देखी होगी वो भी मैं तो कहूँगा दिस इज़ बॉलीवुड इंटेलिजेंट सिनेमा। ओवरऑल जो स्क्रिप्ट है वो मूवी को बांध के रखती है, ऑडियंस को बांध कर रखती है, एंड आई फील आलिया भट्ट की एक्टिंग भी काफ़ी कन्विंसिंग है। यस, मैं पूरी फैमिली के साथ आया हूँ, वी 4 ऑफ अस हैव कम फॉर अ मूवी and I would recommend to someone who's looking for a good Mollywood movie, not the song and the item song जो देखना चाहते हैं, जो अगर comedy type movie देखते हैं उनके लिए तो definitely low है, जो अच्छी movie देखना चाहते हैं, अच्छी story देखना चाहते हैं उनके लिए definitely जाना चाहिए। definitely 4 star दूंगा। मैडम किधर है? मैम किधर है? मैडम रुके, इधर इधर एक पोस इधर कीजिए। हां हां भाई मैं तेरी यूसुफ का ये स्टैंड पर नाम से लेके आ आलिया जी साहब। ओ डरा और आलिया जी और भाई मैं चलो भाई या 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 तुम लोग बना। थैंक यू थैंक यू। वो जगह मिल वो मिल रहा है मेरा बाबा राजा पीछे ले जाएगा आपको बनना पड़ेगा।
चलो चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो फोटो ये भाई वो क्या तरह साथ संकेत ये तो कैमरा पार्टी के ना बस हो गया बना रहे थे तो
ऐसे फील नहीं हुआ कि इतना अटेंशन आएगा और इतनी जल्दी इतना प्यार आएगा. वी थॉट कि थोड़ा सा टाइम लग के वी न्यू दैट द फिल्म वॉज अ वेरी वी वर प्राउड ऑफ द फिल्म. पर जिस तरह से मतलब यूनानिमसली अप्रिसिएशन मिला है आई थिंक वी आर स्टिल इन शॉक. हम अभी प्लेजेंट शॉक बट वी आर वेरी हैप्पी. और खास करके मेघना के लिए हम बहुत खुश है क्योंकि वो मतलब आई थिंक शी इज़ नॉट स्लेप्ट सिंस द पास्ट गॉड नोज हाउ मेनी मंथ्स. और वो इतनी नर्वस थी, वो बोल रही थी अभी हो गया है, ऑडियंस के पास चली गई है फिल्म, बट द ऑडियंस हैज गिवन इट सो मच लव दैट वी आर सो ग्रेटफुल. अभी भी आप आगे लुक सेंटर ही रखना. हां लुक ही सेंटर. हां मेरे अभी भी आप हां मेरे पास. हां बोलिए. अभी भी आपने कुछ फैंस से इंटरेक्शन किया? क्या कह रहे थे वो आपसे? आई थिंक हम बात करने की कोशिश कर रहे थे पर जितना भी रिस्पॉन्स मिला वो अच्छा. वो अच्छा. जहाँ भी जितने भी दूर तक पूछ रहे थे कैसी लगी सो दे वर ऑल रीजन ऑल डूइंग दिस. और कुछ 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 के आंसू आंखों में आंसू भी थे एंड ऑल. तो मैं तो बहुत खुश होती हूँ जब लोग रोते हैं. मेरा काम हो गया. अगर लोग रो रहे तो दैट मींस वी हैव डन आवर जॉब. बट इट्स ब्यूटीफुल ना वो आके ना आपको स्माइल के साथ कहते हैं हम बहुत रोए. सो दैट्स ब्यूटीफुल. सो दैट्स नाइस. आई मीन ऑनेस्टली ऐसे जब थिएटर्स में हम आते हैं तो एक्चुअली हमारी इच्छा ये होती है कि हम थिएटर्स में रह के पूरी फिल्म देखिए बट वो पॉसिबल नहीं है. सो बट वी जस्ट गेट द स्ट्रेट इंस्टेंट रिएक्शन उनका थिएटर से निकलने के बाद दैट्स लाइक द बेस्ट फीलिंग. और वैसे भी हम घर बैठे बैठे ना हम फोन पे ये कि कैसी लगी कैसी लग रही है सब कुछ कैसी लगी वीडियोस देख रहे हैं. सो इट्स गुड कि हम यहां आके उन्हीं से पूछ रहे हैं कि कैसी लगी आपको एंड टू गेट अ पर्सनल रिएक्शन फ्रॉम देम इट फील्स स्पेशल. विकी क्योंकि हम सब जानते हैं आलिया को तो बहुत ही लोग प्यार करते हैं चाहे ऑडियंस हो चाहे इंडस्ट्री से हर कोई प्यार करता है. आपको पर्सनली किस तरीके का रिएक्शन मिल रहा है आपके रोल के लिए? लोग कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं? मैं कहती हूँ मेरे जो दोस्त हैं सब मुझसे कह रहे हैं कि हमें विकी जैसा हस्बैंड चाहिए, हमें एक बार जैसा हस्बैंड चाहिए. आई थिंक ऑल द एटलीस्ट दैट्स द रिएक्शन आई गॉट. क्योंकि लड़कियां जब मुझे मैसेज करती हैं ऑल द फ्रेंड्स दैट आई हैव सीन दे ऑल लाइक ओह माय गॉड विकी कौशल इज ही सिंगल प्लीज उनसे हमसे उनसे मिलवा दो. सो डेफिनेटली गर्ल्स आर गोइंग क्रेजी. हाँ सिंगल है कि नहीं बताया नहीं मैंने. मैंने मैंने बता दीजिए बता दीजिए. नहीं मैं बहुत सिंगल हूँ. मैं इतना सिंगल हूँ मैं बता नहीं सकता. काफी सिंगल काफी सिंगल टेल देम व्हाट योर रिएक्शन. बट नहीं अब आई मीन कहानी को लोग इतना प्यार दे रहे हैं, सहमत को, इकबाल को, सबको इतना प्यार दे रहे हैं और लोग मतलब कहानी के बारे में नहीं बता सकते. बट बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है. और द गुड थिंग इज कि लोग इस कहानी के थ्रू भूल रहे हैं कि कई बार तो रिस्पॉन्स आ रहा है कि अरे यू मेड अस फील गुड अबाउट अ पाकिस्तानी विच इज़ सो गुड कि वो बॉर्डर्स थोड़ी ब्लर हो गई है. यू नो एक हल्का सा वो डाइल्यूशन आया वो अच्छा लगता है कि जो हमने कहानी के तौर पे मेघना ट्राइड डूइंग दैट वो सफल हुआ तो वो आपको अच्छा लगता है कि अच्छा यार चलो किरदार की आप नेशनैलिटी नहीं देख रहे हो आप किरदार को उस किरदार की तरह देख रहे हो. आलिया आप काफ़ी अपने जितने भी किरदार होते हैं उनके साथ आप काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते हैं हर फिल्म में क्योंकि हमने आपके बबली लुक से लेके हमने आपको एक सीरियस कैरेक्टर में देखा है. क्या चलता है आपके माइंड में जब आप अलग अलग किरदार को निभाती है? कितनी नर्वस रहती है कितनी एक्साइटेड रहती है उसके लिए? नर्वस रहती हूँ पर अंदर ही अंदर नर्वस रहती हूँ. एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ मैं इसलिए बहुत कुछ करने की कोशिश करती हूँ प्रेपरेशन वगैरह पर अपने ही दिमाग में अपने अंदर करती हूँ. आई थिंक सबसे बड़ी बात यही है कि आप डायरेक्टर के मतलब एकदम गुड स्टूडेंट बन के रहो. जो भी डायरेक्टर चाहते हैं आप डायरेक्टर को देते रहो इवेंचुअली क्योंकि डायरेक्टर की फिल्म है. हम सिर्फ एक्टर्स हैं जो उस विजन को आगे निकालते हैं पर विजन डायरेक्टर्स की होती है राइटर्स की होती है. साथ ही बॉक्स ऑफिस पे भी क्योंकि हमने कई फिल्में देखी बहुत ही कम फिल्में ऐसी हैं जो इस साल बॉक्स ऑफिस पे इतनी अच्छी कमाई की है. आपकी फिल्में फर्स्ट डे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही अमेजिंग. हाँ ऑनेस्टली हमें ऐसे फील नहीं हुआ था कि बॉक्स ऑफिस फर्स्ट डे इतना होगा. मतलब आई वॉज लाइक मैं जब मुझे बताया गया मैं बोला मजाक मत करो यार ऐसे मतलब लड़की के साथ कैसे मजाक करते हैं यू नो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ रिलीज. सो बट दैट ऑब्वियसली मीन्स कि इसका जो कॉन्टेंट है वो क्लिक हुआ है पब्लिक के साथ और हम अपने जो कंट्री का को है उनको इग्नोर नहीं कर सकते. अगर उनके लिए फिल्म बनाएंगे तो वो आएंगे फिल्म देखने. मेरे लिए बहुत बड़ी सीख हुई है. बट क्या आपको लगता है कि हमारी जो इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस हैं उनके प्रति भी ऑडियंस की जो सोच है वो काफ़ी हद तक बदल चुकी है? आई थिंक एक्ट्रेस एक्टर अभी मेरे ख्याल से भी ब्लर हो गए हैं. अभी आई थिंक सिर्फ कंटेंट को लेकर फिल्में बन रही है. हमारी सबसे बड़ी आई थिंक सबसे बड़ी जो प्लस थी वो हमारी ट्रेलर थी. द ट्रेलर जस्ट क्लिक. और Honestly speaking, this is not a call that we are involved in. और हम
कई फिल्में पाकिस्तान में रिलीज नहीं होती है. आई डोंट थिंक कि ये पर्सनल है हमारे फिल्म को लेकर. ऑब्वियसली हम होप करेंगे कि रिलीज हो, बट नो हार्ड फीलिंग्स व्हाट्सोएवर. विकी, व्हाट्स योर रिएक्शन? बिकॉज आप लाइक यू सेड कि कहीं ना कहीं ब्लर होता दिख रहा है सबको, आपका क्या रिएक्शन होगा क्योंकि आप एक पाकिस्तानी किरदार को निभा भी रहे हैं? क्या आपको लगता है कि फिल्म को पाकिस्तान में नहीं, देखिए एज अ टीम मेंबर ऑफ अ फिल्म आप चाहते हैं कि जितने लोगों तक पहुंचे उतना अच्छा है, यू नो वी ऑलवेज होप फॉर दैट. बट अगर वो कहीं नहीं होती है तो उनके वो अपने प्रोटोकॉल्स हैं, अपने रीजंस हैं विच सूट्स देम, तो वो खुश रहें. अगर उनको कभी देख कर लगे कि अरे यार कि ये तो हो सकती थी, देयर विल बी हैप्पी टू नो दैट. बट लोगों को पता चल ही गया होगा कि हमारे तरफ से हम किसी की साइड नॉट डूइंग एनी लाइक एनी काइंड ऑफ बैशिंग. तो या चलते चलते आपको गिरगिट कहा था कि ये किरदार में बखूबी आलिया ने किया है, अगले किरदार में भी देखेंगे तो इससे बेहतर करेगी, तो कैसा रहा वो फीलिंग और रिएक्शन? क्रिकेट बनना कैसा रहा? क्रिकेट मैं रंग बदलू नहीं हूँ, अगर लोग समझ रहे कि क्रिकेट का या नहीं. मैं काफ़ी बड़ी कॉम्प्लीमेंट है एक्टर के लिए मैं कहूँगी, क्योंकि क्रिकेट की तरह कैरेक्टर्स के अंदर घुस जाना और फिर वो कैरेक्टर बन जाना, वो काफ़ी मज़ा आता है और कर पाना भी यू नो इट इज़ अ चैलेंज. तो मेघना तो ऑब्वियसली मुझसे बहुत प्यार करती है, तो वैसे कहेगी. अभी मैं अगले डायरेक्टर से पूछूंगी कि मैं गिरगिट हूँ कि नहीं. अच्छा आलिया, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका ये तो रिलीज़ हुई है राजी, लेकिन आपका 2018 काफ़ी शेड्यूल काफ़ी टाइट है आपका. रणवीर सिंह के साथ आपकी मूवी आ रही है, उसके बाद आप कलंक की भी शूटिंग स्टार्ट आई थिंक कर चुकी हैं. कर चुकी हूँ. तो कैसा चल रहा है आपका शूट? चल ही रहा है. हाँ, पहली बार काम कर रही हूँ. मैं क्या कहूँ, चल ही रहा है. कुछ दिन या रात का मुझे पता नहीं है. उनके साथ एक्सपीरियंस ऑब्वियसली उनकी ही तरह खूबसूरत रहा है. अभी अभी हमने शुरुआत की है, बहुत काफ़ी दिन. अभी मैं कल शूटिंग के लिए वापस जाऊँगी, आप देखेंगे मेरा मॉर्निंग सेल्फी डे 9. क्योंकि इट इज़ अ वेरी एपिक फिल्म, एपिक ड्रामा है, तो बहुत कुछ है मज़े करने में, मज़ा करने के लिए उनके साथ और यू नो ऑल दी अदर कैरेक्टर्स के साथ भी. फिंगर्स क्रॉस सारी फिल्मों के लिए, गली बॉय, कलंक एंड ब्रह्मास्त्र. सामने चलेगा इस सिनेमा से काम चला लेते हैं सामने यहाँ पे. चलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Thank you.